दोस्तों दिमाग की बत्ती को थोड़ा जलाइए और वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सोचिए कितना मस्त होता है अगर आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते और मैं नए नए बेड लाकर आपके लिए धूम धड़ाके यहाँ पे करते। सोचिए कितना मस्त फोन होता कि जो बेड आपको चाहिए वो बेड हमारे यहाँ पे मिल जाता और हमें जो चाहिए वो आप कर देते। ये तो हमारे आपस का बॉन्डिंग होता है जो एक दूसरे के साथ बने रहता है और जो हमारे और आपके बीच को गैप को दूर करता रहता है। तो जरूर ये बात सोचिए और वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए और हमारे वीडियो का लुत्फ उठाते रहिए और आपका जो भी डिमांड है हम बोलते रहिए, हम उस बेड को लाएंगे और यहाँ पे धूम धड़के करेंगे। देखिए पिछली बार तो हमने एक गेंद खो दिए थे, अभी नए गेंद से शुरू करेंगे और आपका भी शेयर भी और जो लाइक सब कुछ नई तरीके से शुरू कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। वेलकम बैक टू द होम ऑफ अनबॉक्सिंग क्रिकेट बैट। हे दोस्तों, स्वागत है आपको और एक टेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसका अनबॉक्सिंग किए थे, ये जो हमारा है स्ट्रॉस रिबेल बैट। तो आज चलिए जल्दी से जल्दी हम इसके साथ टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे हार्ड कॉर्क बॉल के साथ, उसके बाद करेंगे हार्ड टेनिस बॉल के साथ। ऑब्वियसली कॉर्क बॉल तो हार्ड होता है, मैं हार्ड कहने का मतलब आपको समझ में आया, जो कॉर्क बॉल होता है ना वो बहुत ही हार्ड होता है। तो इससे सबसे पहले हम इसके साथ जो हार्ड कॉर्क बॉल होता है उसके साथ टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है इसका। चलिए दोस्तों आप देख रहे थे टेस्टिंग वीडियो जो हमारा कॉर्क बॉल के साथ, ये जो हमारा स्ट्रॉस रिबेल बैट के साथ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर आप लोग लेदर बॉल खेलना प्रीफर करते हैं तो इस बैट के साथ आप लेदर बॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़े बाउंड्री शॉट नहीं खेल सकते क्योंकि हमने जितने भी बॉल इसके साथ जो कॉर्क बॉल के खेले हैं ना तो इसमें काफी हद तक डैमेज नहीं हुआ है। अगर डैमेज भी हो जाता है आप प्रैक्टिस करने के बाद, अगर हम वुडन बैट को देखते हैं तो उसका बैट का प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है और ये प्लास्टिक बैट बहुत ही कम दाम में मिल जाता है। अगर आपका प्रैक्टिस के वक्त ये बैट टूट जाता है ना तो कुछ भी इतना खराब नहीं होगा आप लोगों के लिए क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों हमने बहुत सारे तो प्रैक्टिस किए इसके साथ कॉर्क बॉल के साथ, तो चलिए इसके साथ हम थोड़ा हार्ड टेनिस बॉल भी देख लेते हैं क्योंकि हमारा मेन प्रेफरेंस जो रहता है हार्ड टेनिस बॉल के साथ ये प्लास्टिक बैट का टेस्टिंग रहता है, तो उसका भी टेस्टिंग देख लेते हैं। दोस्तों इसके साथ जो हमारा जो हार्ड टेनिस बॉल का जो शॉट परफॉर्मेंस बहुत ही मजेदार रहा। देखिए दोस्तों कुछ शॉट तो यहाँ पे जब लग रहा था ना बहुत दूर दूर जा रहा था और जहाँ पे भी लगता है बहुत दूर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये थोड़ा दब गया है। देखिए बाकी का पर्सन अच्छे होने के बावजूद भी यहाँ पे थोड़ा दब जाता है, तो हमेशा तो हम वेल टाइम्ड नहीं कर सकते ना शॉट, कभी कभी बीच में ये नहीं लगेगा, नीचे लग जाएगा तो यहाँ से फटने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें साथ हम मुझे लगता है जो आपका जो सॉफ्ट टेनिस बॉल रहता है ना बहुत ही बढ़िया रहेगा, ये बहुत ही लंबे लंबे शॉट मारता है, ये तो काफी तक कंफर्म है, लेकिन ये बैट ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत इसमें खामियां भी है, लेकिन सॉफ्ट टेनिस बॉल के साथ ये बहुत दिन लास्टिंग करेगा। आपको चाहिए तो इसको आप खरीद सकते हैं और हमारा जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को और भी मजेदार बनाइए। थैंक यू।